नमस्कार साथियों, मैं दिल्ली से शुभम स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए वीडियो में। जैसे कि आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं खान सर के बारे में। आप लोगों ने खान सर का नाम जरूर सुना होगा, ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने खान सर का नाम नहीं सुना है। क्या सच में खान सर का नाम जालिम खान है या फिर अमित सिंह है? आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा क्या कि इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। बस आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके हमारी मेहनत को सफल करें। गैस आपके एक लाइक से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। तो गाइस आज आपको मैं एकदम डिटेल में एकदम सही तरीके से एकदम प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम आए सर के साथ। देखो, आप लोगों ने रामायण देखी होगी, लास्ट में क्या होता है, सीता जो होती है वो वनवास सॉरी वहाँ से रावण के यहाँ से आती है तो उसको आग में देना होता है। तो सेम इसी तरीके से खान सर के साथ हुआ है। तो आज वो कह रहे हैं कि मैं यूट्यूब चैनल छोड़ दूँ। तो सर, मैं आपको पहले ये कहना चाहता हूँ, अगर हमारी आप वीडियो देखते हैं और जितने भी व्यूवर्स हमारे हैं जो हमारी वीडियोज़ को देखते हैं, तो देखो आप लोग भी उनका सपोर्ट करो। अब मैं सपोर्ट करने को क्यों कह रहा हूँ, कुछ ना कुछ लोग को मेरी ये बात अभी बुरी लगी होगी। देखो, खान सर का जो चैनल है, हमें नहीं पता खान सर मुसलमान है या हिंदू है, लेकिन देखो कोई भी हिंदू हो या मुसलमान हो, मौलिक अधिकार में साफ साफ लिखा है कोई भी आदमी किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है। जैसे सर ईद मनाते हैं, राखी बंधवाते हैं, तो इसमें सर की कोई गलती नहीं है। सर ये नहीं कह रहे कि मुसलमान गंदे हैं, ये नहीं कह रहे कि हिंदू गंदे हैं। जो गंदा है, जो गलत है, उसके बारे में उसे बोल रहे हैं कि आप गलत हैं तो आप गलत हैं, मतलब जो गलत है उसे गलत, जो सही है उसे सही बता रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने सर के ऊपर बहुत सारी वीडियो बना दी। मैं कुछ आपको थंबनेल दिखाऊंगा, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख सकते हैं। अब इन भाई ने क्या बना दिया और इसने देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्या बोला जा रहा है। तो गाइस आप यही देख लो, अगर हम मुसलमान की इज्जत करें, हाँ ये चीज़ मैंने देखा है कि मतलब जो खान सर है ना, उनका नाम खान है कि नहीं है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, या फिर अमित कुमार है, पूरी वीडियो देखें लास्ट में आपको मैं बताऊंगा ये बात है या नहीं। तो गाइस आप पहले ये देख लो कि उनके चैनल पे ना पाकिस्तान की बहुत बुराई होती है। एक थंबनेल देख सकते हो, इन्होंने ये वीडियो बनाया था। तो मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ कोई गलत नहीं है। जब गलत है, उसामा बिन लादेन को आपने देखा था और इसी की जगह वो मुसलमान था। आप इसको देख लो, एक अब्दुल कलाम है। अब हम किसकी इज्जत करें? आप कहोगे उसामा बिन लादेन की इज्जत करें, हम करेंगे? कभी नहीं करेंगे। अब्दुल कलाम की हम चाहते हैं अब्दुल कलाम जैसा हर एक मुसलमान हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मैं ये धार्मिक के ऊपर वीडियो नहीं बना रहा कि मुसलमान ही लोग कह रहे हैं। मैं खुद बोलता था कि सर आप क्या है नियम, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। लेकिन आज जब मैंने इस बारे में सोचा तो मैं सोचा रहा हूँ मुझे खान सर का सपोर्ट करना चाहिए। देखो कौन मुसलमान है कौन हिंदू, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन आजकल हम मजहब पे चले जाते हैं, ये है वो है, मतलब कुछ भी करो, लेकिन यार अच्छा ज्ञान दे रहे हैं सर। एक जीके बहुत मस्त पढ़ाते हैं, मानचित्र विशेषज्ञ हैं सर, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को सर फ्री में आई थिंक पता नहीं क्या क्या देते हैं, मैंने सुना है ऐसा, उनकी वीडियो में भी देखा है, लेकिन रियलिटी कितनी है इस बात में मुझे ये बात नहीं पता। लेकिन इतना मैं गारंटी से कह सकता हूँ, वो कुछ बच्चों को फ्री क्लासेस प्रोवाइड करते हैं जिनके पास नहीं है। मदरसा है, मदरसा में कुछ बच्चे हैं जो, या फिर जो होटल में काम करते हैं उन्हें क्या कहा है, शाम को ज़्यादा होटल चलता है, सुबह नहीं चलता। आप सुबह की क्लास में आके बैठ के पढ़ सकते हैं एकदम फ्री में, कोई पैसा नहीं लेते सर उनसे। अब आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में ये चीज़ चल रहा होगा कि सर जो है, खान सर जो है, वो उनका नाम अमित सिंह है और वो हिंदू है और वो मुस्लिम बनके मुस्लिम लोगों के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं ताकि मुस्लिम लोगों को लगे नहीं भाई पाकिस्तान गलत है। लेकिन यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो गलत है उन्हें वो गलत बता रहे हैं, जो सही है उन्हें सही बता रहे हैं। अब आप ये पोस्टर देखो, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। अब इनको, इनके ऊपर इन्होंने बोला था कि 8-9 बच्चे मतलब मुसलमान लोग करते हैं, 12-19 जो भी कहा होगा। तो भाई इसको देखो, इसकी खुद की ये बैरिकेटर जो लगते हैं उसके बराबर का तो है नहीं है, और देखो कहाँ खड़ा है। तो ऐसे लोगों को तो बोलेंगे ही ना। और गाइस आपको मैं लास्ट में अपने दिल की बात बताता हूँ, हर स्टूडेंट की दिल की बात बताता हूँ। एक टीचर को जो स्टूडेंट समझ सकता है ना, वो कोई नहीं समझ सकता। अगर खान सर से मैं खुद कभी कभी उनकी क्लास इतना मजा आता है ना लेने में, कभी कभी कोई भी क्लास अच्छी नहीं लगती, लेकिन ऑलमोस्ट कुछ भी बोलो तो सारी क्लासेस अच्छी लगती है। मैं उसका स्टूडेंट हूँ, मैं ही नहीं बहुत सारे उनके सब्सक्राइबर, देखो दिमाग हिल जाएगा दिमाग, ठीक है। तो उन्होंने ऐसी गेन नहीं कर ली इतने सारे सब्सक्राइबर, और उनकी वीडियोज को कुछ मतलब गलत तरीके से गलत हमने लगा के बना के बंदे अपना जो है चैनल को मोनेटाइज करा लेते हैं, रैंक बढ़ जाता है। मतलब यार क्या मतलब यार, किसी को गलत यूज़ कर, और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ कुछ भी गलत यूज़ करके नहीं बना रहा हूँ गाइस, मैंने जो बताया आपको एकदम सही बताया, कुछ गलत नहीं बताया है। गाइस एक बार मैं आपको फिर से बोलता हूँ, एक टीचर को जितना अच्छा स्टूडेंट समझ सकता है उससे अच्छा कोई नहीं समझ सकता, बस यही कहना चाहूँगा।
आप लोगों को मैंने सारी बातें बता दी, अब मैं आपको बताता हूँ खान सर का सही नेम क्या है। खान सर ने अभी तक किसी को नहीं बताया कि मैं मोमडन हूँ या हिंदू हूँ। देखो उन्हें गीता भी बहुत अच्छी आती है, और वो क्या होता है मोमडन का कुरान, कुरान भी बहुत अच्छी पढ़ लेते हैं वो, ठीक है। अब कहना मुश्किल है, देखो यार कुछ भी हो यार हमें क्या मतलब उससे, वो अच्छा नॉलेज दे रहे हैं हमारे देश हिंदुस्तान को आगे बढ़ने को कह रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो वो फ्री में सिखाते हैं ना, कोई नहीं सिखाता होगा फ्री में, पेड क्लास या फिर एप्लीकेशन पे जाके वो सब चीज़ें जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है उन्हीं को मिलता है। तो गाइस लास्ट में इतना कहूँगा कि प्लीज़ खान सर के जो अगेंस्ट में भाई बात को समझो, ठीक है। खान सर ने, चलो ठीक है आपने कोई वीडियो देखी इसलिए आपको खान सर के ऊपर गुस्सा है, यार आप खान सर के जीके का जो, उस खान सर का छोड़ो, खान सर का जो चैनल का लिंक है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा नीचे, आप वहां पे जाके देखो जो वीडियो आपने देखी है 30 से 35 मिनट की क्लिप, क्या वो उनके चैनल पे है पूरी वीडियो देखना वो वाली, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद, आप मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, आपको खुद समझ में आ जाएगा, और ये बात तो मैं आपको बता ही नहीं सकता, मुझे खुद पता नहीं है। खान सर ने आज तक किसी को नहीं बताया कि वो मोमडन है या हिंदू। अब देखो हमें हिंदू मोमडन से क्या मतलब, धर्म का प्रचार कर रहे हैं दोनों धर्म का वो, ठीक है। ये तो नहीं कह रहे कि हिंदू गलत है, ये तो नहीं कह रहे कि मुसलमान गलत है, राखी भी बंधवा रहे हैं और होली भी खेलते हैं, दीपावली भी मनाते हैं। तो बस लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ ये जितनी भी विचारधारा आपके मन में आ रही है ये सबको छोड़ो, एक सही मतलब यार सही रास्ते पर जाओ। मतलब उस सर ने, मैंने सर की वीडियो देखी कल या परसों आई थी, सर कह रहे हैं मैं YouTube बंद कर दूँ, यार हद होती है किसी भी चीज़ की, ऐसे कैसे YouTube बंद कर देंगे यार। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।